सवाल ये कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा ये है कि काम की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, संविधान को पलट रही है, ये चेहरा बदल के राजनीति कर रहे हैं, लोग सरकार बदलना चाहते हैं। आपने कहा कि यहाँ से लोग बच्चे जो है युवा बेरोजगारी है और वो थोड़ी बहुत जो जमीन है, एक एकड़ है आधा एकड़, वो बेचकर बाहर जा रहे हैं। 47 बार पेपर लीक हुआ है, एक मिलिट्री की नौकरी मिला करते, वो भी उन्होंने 4 साल के कर, पिता सर्विस पे लगा हुआ है और बेटा रिटायर होकर जाता है। तो उधर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए ये तो ठग बंधन है, अपने फायदे के लिए इकट्ठा हो गए। जब देश की बात आती है तो उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको बताना चाहता हूँ, आप देश के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं। किसानी कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जब बात होगी तो किसानी तो होगी। किसानी खत्म करने की, उनकी जमीन खत्म करने की, उनकी खेती खत्म करने की साजिश रची, 3 काले कानून बनाए, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। विरोधी सबसे ज्यादा आप लोगों को इसी मुद्दे पर घेरे कि लीडरशिप कहाँ है। इसके अंदर कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, तो सांसद चुनेंगे, ऐसा शानदार प्रधानमंत्री बनाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको साथ लेकर चलेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। कुरुक्षेत्र का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है और इस रण में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता इस चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात कम की जा रही है। मुद्दा ये है कि कुरुक्षेत्र विकसित होना चाहिए, मुद्दा ये है कि काम की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, संविधान को पलट रही है, लोकतंत्र को तोड़ रही है। आज ना ये अच्छे स्कूल दे रहे, ना अच्छे हॉस्टल दे रहे, ना बच्चों को रोजगार दे रहे, ना बिजली दे रहे, ना पानी दे रहे, केवल और केवल जाति और धर्म पे बांट रहे हैं। पहले इन्होंने अपना पार्टी का प्रधान बदला, फिर इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, फिर उप मुख्यमंत्री बदला, फिर सांसद का उम्मीदवार बदला, ये चेहरा बदल के राजनीति कर रहे हैं। लोग सरकार बदलना चाहते हैं। किसानों पे जितना अत्याचार इन्होंने किया, महिलाओं पे जितना अत्याचार इन्होंने किया, कल यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे थे कि अब 4 इंजन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। 4 इंजन तो इनके पहले भी थे, 2 इंजन इन्होंने बदल दिए, तो क्या बाकी 2 इंजन भी बदलने की बात कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आया उनका बयान। क्या मुख्यमंत्री और सांसद के तो कैंडिडेट बदल दिए, आप प्रधानमंत्री और विधायक बदलना चाहते हैं? 4 इंजन का मतलब क्या है? मेरा सीधा सवाल उनसे। एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, अभी आपकी रैली थी, आपने कहा कि यहाँ से लोग बच्चे जो है युवा बेरोजगारी है और वो थोड़ी बहुत जो जमीन है, एक एकड़ है आधा एकड़, वो बेचकर बाहर जा रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर उतनी बात क्यों नहीं हो रही? क्यों इस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा कि बेरोजगारी है, बच्चे जा रहे हैं बाहर, नशा है? हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हुआ है यहाँ पे, एक मिलिट्री की नौकरी मिला करते, वो भी उन्होंने 4 साल की कर दी। हरियाणा के अंदर पिता सर्विस पे लगा हुआ है और बेटा रिटायर होकर जाता है, आज नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है, हर घर में नशा फैल गया, बच्चे अपराध की दुनिया में चल पड़े, शार्प शूटर सबसे सस्ता नाबालिग हरियाणा के अंदर मिलता है। आज जो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, खुद माँ बाप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के उनका रास्ता विदेश की तरफ कर रहे हैं, उनका रुख। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, तमाम दूसरे के लोकतंत्र खतरे में है, आप दूसरे आरोप लगाते हैं कि ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ हो रहा है, तो उधर से भी आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए ये तो ठग बंधन है, अपने फायदे के लिए इकट्ठा हो गए। जिस कांग्रेस को कोसते थे आज उसका हाथ थाम लिया आपने, आरोप तो उनकी तरफ से। जब देश की बात आती है तो सारा हिंदुस्तान एक है, जब देश की बात आती है तो उस समय इंदिरा गांधी का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मैं नरेंद्र मोदी जी आपको बताना चाहता हूँ, आप देश के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, आपने सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए। इस देश में कभी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, आपने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। आपके आने से पहले किसी ने ईडी का नाम नहीं सुना था। आज हरियाणा के अंदर सरपंचों के ऊपर आप जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं, पहले तो आपने लाठी मारी, कमर लाल कर दी,
और आज कह रहे हैं हमारी मीटिंग कराओ, अब आपका गांव के अंदर घुसना बना हो गया। मीटिंग भी होगी उनकी, अब वो कह रहे कि आचार संहिता हटेगी तो सारी बातें मान लेंगे, टेंडर वाली बात भी। अब तो कल नॉमिनेशन हुए जिन जिनके, धर्मवीर सिंह का बयान आया कि सारी मांगे मान ली है, अब नया विकास होगा, हर गांव बदलेगा। मतलब अब ये मानते हैं कि बीजेपी ने जुल्म किया था, डंडे मारे थे वो जुल्म किया था, इनकी पावर छीन ली वो गलत किया था, पोर्टल सिस्टम लगा दिया वो गलत किया था, अब ये सारी बातें इनको याद आ रही है, क्यों अब ये चुनाव में आ गए? पहले जुल्म करते रहेंगे और चुनाव के समय फिर जुमले छोड़ देंगे। गुप्ता जी, मुकाबला किससे है आपका? जनता हमारे साथ है, मुकाबले में कोई नहीं है, एक तरफा एक तरफा निश्चित जीत। किसानी कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जब बात होगी तो किसानी तो होगी। किसानी खत्म करने की, उनकी जमीन खत्म करने की, उनकी खेती खत्म करने की साजिश रची, तीन काले कानून बनाए, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया, सवा साल लंबा संघर्ष रहा, परंतु अब बैकडोर से ये इसको फिर खत्म करने के लगे। ढांड मंडी में इन्होंने बारदाना नहीं भेजा, वहां पे अडानी के श्यालों के बाहर सात सात आठ आठ किलोमीटर लंबी किसान की लाइन लगी हुई है, किसान को मजबूर कर रहे हैं कि उसके श्यालों में जाए। मंडी में एमएसपी का सिस्टम ये बंद करना चाहते हैं, 150 एकड़ के अंदर करनाल में अडानी के श्यालों और बनने लग रहे हैं। इनकी साजिश है कि बैकडोर से वही काले कानून लागू करें और किसानी खत्म करें, इस प्रदेश के किसानों को मजदूर बना। मैं आपसे एक सवाल करी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विरोधी सबसे ज्यादा आप लोगों को इसी मुद्दे पर घेरे कि लीडरशिप कहाँ है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का है तो प्रधानमंत्री उनकी तरफ से तो चेहरा है नरेंद्र मोदी, अब आप लोगों के पास, इंडिया अलायंस के पास क्या चेहरा है? इस देश के अंदर कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, जो सांसद चुनेंगे ऐसा शानदार प्रधानमंत्री बनाएंगे जो पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सबको साथ लेके चल सके, विकास कर सके, शिक्षा दे सके, चिकित्सा दे सके, बिजली दे सके, पानी दे सके, रोजगार दे सके, नशा बंद करा सके। इनकी तरह नहीं है कि कोई हो एक चौथी पास राजा रहेगा। नवीन जिंदल जी फिर आगे, लेकिन इस पर बीजेपी से आगे, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? वो तो किसानी 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 भी करते नजर आए, बोरी उठा रहे हैं, मतलब तीन बार गिरे थे बोरी उठाते थे, और 1,76,000 करोड़ रुपए का आरोप उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने लगाया था कि 1,76,000 करोड़ रुपए का देश का कोला खा गए। पर वो कह रहे कि जब वो केस हुआ था तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी, अब तो उल्टा बोल। कोई बात नहीं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, कांग्रेस तो और हम, अगर हमारा मंत्री भी हेराफेरी करता उस जिले में अंदर सबसे पहले हम करते हैं, और ये कोई उस पर एक्शन नहीं लेता, उस पर चंदा ले लेते हैं। इन्हें 195 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिया और छोड़ दिया, जाओ भाई मोज लो, दोबारा आ जाओ, हम यहाँ पे आपके चोर कह के गए थे, अब सिपाही बनाएंगे क्योंकि आप हमारी वॉशिंग मशीन से ना के आ गए। ये जनता समझती है जो बातें आप करते हैं हम लोग करते हैं, कि क्या ये दल बदल का जो ट्रेंड चल पड़ा है, कोई रात को किसी पार्टी में, सुबह उठता दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ला, जनता समझती जो है। ईडी है ना, ईडी चंदे का धंधा कराती है, डराती है, लेकिन ये जनता के बीच जाता है, उनके दिमाग में जाता है कि ठीक है गलत है। जनता को पता है ये बीजेपी का डंडा चल रहा है, और जो कमजोर प्रत्याशी होता है उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती, मजबूत चाहिए मजबूर नहीं चाहिए, वो मजबूर प्रत्याशी है, हम मजबूत प्रत्याशी है। अभय चौटाला जी कह रहे कि आप दोनों, चाहे नवीन जिंदल हो या आप हो, आप तो धन्ना सेठ हैं, बड़े उद्योगपति हैं, आज किसानी करते हो नजर आ रहे, कोई गेहूं काट रहा, आपने गेहूं काटी थी वो बोरी उठा रहे हैं, ये तो बाहरी लोग हैं, ये पहले क्यों नहीं दिखे? क्यों आप राज्यसभा रहे तो आपने वहां पर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैं पैदा हुआ, मेरी माँ गोबर भी पाथा करती, गंडासा हुआ करता, बरोटे काट के मैला करता, सानी हमेशा अपने बेयर अपने डांगर आगे डाली है, दूध का डा है, अपने फसल काट के लाए ना, उसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो मशीन का जमाना आ गया, पहले तो हाथ से काटते थे, तो आदत भूले नहीं, आदमी काट लेता है। काट के अभय चौटाला जी के लिए कुछ कहेंगे? नवीन जिंदल तो बहुत तारीफ कर रहे थे हमारे चैनल पे, बहुत तारीफ की है कि मुकाबला मेरा अगर है तो वो बहुत मजबूत है। नवीन जिंदल तो तारीफ करेगा ही क्योंकि उसी की बेटी में, आज चौटाला परिवार कोई सा हो, वो जिसकी वोट उसको डलेगी वो बीजेपी के जाएगी। यहाँ पे इसी यमुनानगर के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ, अभय चौटाला ने बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाया, वोट दी। राज्यसभा का चुनाव हुआ कुछ महीने पहले, अभय चौटाला ने बीजेपी के कार्तिक शर्मा को वोट दी। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभय चौटाला ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दी। मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ क्योंकि चुनाव प्रचार वाली आपकी गाड़ी है, और इस रंग को दिखाएंगे, झाड़ू के साथ अब झंडे थोड़ा बदल गए हैं, हाथ का निशान आ गया, ये झंडे बदल गए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है,
ये टैगलाइन है, बदलेंगे कुरुक्षेत्र बदलेंगे हरियाणा, इबके इंडिया को जिताना, आम आदमी पार्टी अलायंस से आप हैं। किस दावे के साथ आप ये कहते हैं और बदलाव, क्या बदलाव जनता आपसे उम्मीद करे? क्या काम की राजनीति होगी, सबको रोजगार मिलेगा, दिल्ली हिमाचल पंजाब की तरह फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी चिकित्सा मिलेगी, हिंदुस्तान को विकसित करेंगे, नशा बंद करेंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे, लोगों को आजादी से जीने का माहौल देंगे, देश के संविधान को बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। राम मंदिर मुद्दा नहीं है, देश की अस्मिता पूरी दुनिया में जो कह रहे कि विकसित भारत बनाएंगे हम, दूसरा की विश्व गुरु बन गए हैं, एक छवि बना दी भारत की, वो मुद्दा नहीं है। घमंड देखिए, हम कहते हैं हमें राम ने बसाया और वो कहते हैं उन्होंने राम को बसाया। राम ने तो अहंकार तो रावण का भी नहीं छोड़ा जिससे सोने की लंका थी, इनमें इतना अहंकार हो गया, राम को बसाने वाले कब से हो गए? मंदिर बनाया, मंदिर बनने चाहिए, अच्छी बात है, हमने भी वहां चंदा दिया था, मैं कुरुक्षेत्र में 18 मंजिल का मंदिर बना रहा हूँ। कल मैं ये कहने लगूं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को बचाया तो श्री कृष्ण मेरे ऐसी लात मारेगा मैं पता नहीं कहाँ पाऊंगा। आज बीजेपी के वो लात लगने वाले जो घमंड ये कह रहे हैं इन्होंने राम को बसाया, राम ने सबको तो बसाया। घमंडिया गठबंधन आपका नहीं घमंड उनको, आप ये कहना? घमंड है पूरा उनका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आपने वक्त निकाला न्यूज 18 पंजाब हरियाणा से बातचीत की। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में हमने बात की गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता से। इनका ये दावा है कि वो मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, विकास का मुद्दा है, इसी विकास के मुद्दे पर उनको जीत हासिल होगी। देखना होगा कि कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र का मतदाता उनको समर्थन देता है, वोट में तब्दील करता है और जीत दिलाता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर अब चर्चा होने लगी है। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं स्टेशन एंड बोर्ड।